भाई अपने एयर फिल्टर की कंडीशन देखो, ये देखो भाई ऐसी कुछ लुक आ रही है बाइक्स की। अब दोनों बिल्कुल आगे से भी सेम हो चुकी हैं। एक ये लगाया भाई, एक अंदर लगवाया है। तो बाइक खोलना हो चुकी है स्टार्ट, अभी ये पूरा टैंक बाहर आएगा। अब भाई अपनी बाइक फुल्ली लोडेड हो चुकी है, 3400 रुपए की इस बार भाई सर्विसिंग बैठी है। साइकिल कहाँ से? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपनी डोमिनार की सर्विसिंग के लिए। वैसे तो मैंने सोचा था कि ट्रिप से वापस आने के बाद अपनी डोमिनार की सर्विस करा देंगे, क्योंकि भाई अभी तक अपनी बाइक ने सर्विसिंग का इंडिकेशन जो होता है वो नहीं दिया है। डोमिनार में मीटर में इंडिकेशन मिल जाता है, तो वो अभी तक नहीं आया है। फिर मेरा अचानक से मूड बन गया कि यार पहले ही सर्विस करा देते हैं, क्योंकि अगर रास्ते में सर्विस वाला इंडिकेशन आ गया तो फिर थोड़ा टेंशन सा रहेगा। वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सर्विसिंग के बाद अगर एक्स्ट्रा चल जाती है तो। इंजन ऑयल भी आज मेरे पास डिलीवर हो गया, मैंने जाने से पहले इंजन ऑयल को ऑर्डर कर दिया था। लौट के आने का तुरंत मैं सर्विस कराऊंगा, क्योंकि इस ट्रिप पे अपनी बाइक चल जाएगी करीब 800-900 किलोमीटर। जब इंजन ऑयल आ गया तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी सर्विसिंग करा देते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इस बार मैं भाई कासगंज ही सर्विस करा रहा हूँ, वैसे मैं कराता था अलीगढ़। इस बार कोई बहुत ज्यादा मेजर इशू लग नहीं रहा बाइक में, तो केवल इंजन ऑयल चेंज होना है, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर। तो फटाफट से निकलते हैं और सर्विस करा के लाते हैं। अभी ना देखो धूप बिल्कुल गई हुई है, अभी टाइम हो रहा है 1:23। आज का मौसम भी कल की तरह ही है, धूप आ रही है जा रही है, अपने लिए तो अच्छा ही है, धूप ना मिले तो। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, अभी देखते हैं भाई कि सर्विसिंग में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे अभी तो भाई लंच चल रहा होगा, 2 बजे तक बोला था लंच है, मैं भाई घर से पहले ही निकल आया हूँ। सो भाई हम पहुंच चुके हैं बजाज के सर्विस सेंटर। हेलो, तो भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 20-25 मिनट और लगेंगे। तो हमें ना एक काम आ गया तो वो खत्म कर लेते हैं। भाई मेरी डोमिनार में पीछे वाला जो टायर है भाई वो उल्टा पड़ा हुआ है, पता नहीं भाई वो उल्टा कब हो गया। जब मैंने डलाया था तब तो सीधा डलाया था, और फिर कभी शायद निकलवाया है या पता नहीं क्या हुआ है तभी उल्टा डल गया। मैंने तब ध्यान नहीं दिया, जब अभी शिवम का टायर चेंज हुआ था पिछला वाला, मैंने यार देखा था तब पता चला कि यार हमारी डोमिनार का पिछला वाला टायर उल्टा पड़ा हुआ है। तो वो ना अभी निकलवा के दोबारा से सीधा कराना है मुझे। भाई यहाँ पे भी अपना काम हुआ नहीं, मैं आया था टायर चेंज कराने के लिए, जो भाई टायर चेंज करता है वो है नहीं, वो भी लंच पे गया हुआ है। तो बोल रहे हैं भैया उसको भी टाइम लग जाएगा, तो अभी हम वापस से एजेंसी जा रहे हैं, सर्विस कराते हैं, सर्विस कराने के बाद आएंगे। गाइस अपनी बाइक पहुँच चुकी है ऊपर, और अपनी बाइक में 3 चीजें और लगने वाली हैं। देखो यहाँ इसके मिरर्स, और यह है फोन होल्डर, मैप के लिए फोन पकड़ना पड़ता है हाथ में, तो होल्डर लग जाएगा तो हम इजीली मैप देख सकते हैं। उसके अलावा भाई ये अपना लगेज कैरियर, इसमें अपना बैग बन जाएगा। तो ये तो मेरे पास पहले से ही था, ट्रिप पे जाते हैं तभी मैं इसको यूज करता हूँ, उसके बाद निकलवा देता हूँ, वरना बाइक काफी लंबी लगती है। तो ये भी मैं ले आया हूँ, तो अभी फिलहाल में डल जाएगा ये। और ये देखो शीशे ये रखे हुए हैं। तो बाइक खोलना हो चुकी है स्टार्ट, अभी ये पूरा टैंक बाहर आएगा। सीट वीट तो खुल चुकी है अपनी, तो ये अपना पेट्रोल टैंक आ चुका है बाहर। ये देखो भाई, अब देखो इतनी छोटी सी लग रही है बाइक, पेट्रोल टैंक देखो बहुत छोटा सा होता है, ऊपर से बहुत बल्की कर देते हैं प्लास्टिक लगा के। भाई अपने एयर फिल्टर की कंडीशन देखो, और लास्ट सर्विस में मैंने नया पड़वाया था, पीछे से देखो ऐसे ग्रीन कलर का होता है, आगे से ग्रीन का पूरा ब्लैक हो गया है। भाई अभी चल रही है क्लीनिंग, खर्चा और हो चुका है। ये देखो शीशे, ये वाली जो बाइक आई है पल्सर N250, तो इसके यार शीशे मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे लुकिंग वाइज, तो मैं इनको लगवा रहा हूँ। पुराने शीशे लगे हुए तो हटवा रहा हूँ, हटवा गया वो हटे हुए थे तो वो लग रहे थे, तो मैंने पूछा भैया से ये अवेलेबल है, भैया ने कहा अवेलेबल है, इनको लगवाते हैं। ये देखो भाई लग जाएंगे, उसके बाद चेक कराऊंगा। इनकी जो कॉस्टिंग हमें पड़ रही है वो पड़ रही है कितनी पड़ रही है, 936 रुपए के पड़ रहे हैं भाई। गाइस अभी अपना वन वे क्लच का जो कवर होता है ये भी चेंज करा रहा हूँ मैं, जब मैंने लास्ट टाइम इसमें वन वे क्लच डलवाया था कवर उसका, और वन वे क्लच मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बजाज की एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे ये जो कवर आया था उसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था, ये जो नट है उसमें लग नहीं रहे थे। अभी इसको भी मैं चेंज ही करा दे रहा हूँ, अभी ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, लेकिन आगे कभी दिक्कत आ सकती है बाहर, तो इसीलिए इसको भी चेंज करा देते हैं। तो गाइस अपना बनवी का कवर पड़ चुका है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगी थी। क्यों आकाश भाई, लास्ट टाइम जब भी खुला था तो जुगाड़ से खुला था, हथौड़ी थोड़ी सी, तो इससे ये वैसे पुलर से खुलता है, तो इस बार पुलर से खुला ही नहीं, इसकी सेटिंग बिगड़ गई थी थोड़ी, तो इस बार भी हथौड़ी से ही खोलना पड़ा है जुगाड़ों से। क्यों सर जी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, पूरी सर्विस से ज़्यादा टाइम इसी में लग गया। अभी देखो दूसरी पैकिंग लग रही है,
ये देखो ये जो पैकिंग होती है, जब भी इंजन खुलता है तो दूसरी पैकिंग ही लगवाना, वरना ऑयल लीकेज के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो गाइस अभी चेंज हो रहा है अपना ऑयल फिल्टर, नया पड़ चुका है और एयर फिल्टर भी नया पड़ चुका है। तो गाइस अभी लास्ट प्रोसेस चल रहा है ऑयल फिलिंग का, तो ये पड़ रहा है भाई अपना मोड्यूल का ऑयल एकदम लाल लाल। कूलेंट तो भाई हमने फिल करा दिया था। तो गाइस अभी इंस्टॉलेशन चल रही है अपने मिरर्स और फोन होल्डर की, तो मिरर लग जाते हैं उसके बाद मैं आपको लुक चेक कराऊंगा कि यार कितना प्यारा लुक आ रहा है अपनी बाइक का। तो गाइस एक मिरर तो लग चुका है, अभी दूसरा मिरर लगने जा रहा है और चाय भी आ चुकी है भाई, चाय का टाइम हो गया है। ये देखो भाई 3:30 बज चुके हैं, बनवी क्लच के कवर के चक्कर में भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया। वैसे फोन होल्डर इधर लग रहा था लेकिन इधर ना व्यवस्था ठीक नहीं बैठ पा रही थी, तो अब ना उस वाली साइड लगेगा। तो गाइस सारा काम खत्म हो चुका है, अभी आकाश भाई जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है। हो रही है। अभी काम चल रहा है अपने फुटपैक पे, ये देखो ये ढीला हो गया है, इसमें एक पत्ती सी लगी होती है, ये देखो ये प्लास्टिक वाली, तो ये निकल गई है इसकी। तो ये हमेशा ना जब ऑफ रोड आता है ना तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो इसको भी मैं ठीक करा रहा हूँ। ये लास्ट टाइम जब मैं आया था तभी ये अवेलेबल नहीं थी, अभी अवेलेबल है। ये भाई ये छोटे मोटे पार्ट है ना, ये बहुत दिक्कत करते हैं अगर अवेलेबल नहीं हो एजेंसी के अलावा, क्योंकि बाहर तो मिलते नहीं है। तो भाई सारा काम खत्म हो चुका है, अभी अपनी बाइक जा रही है वॉशिंग के लिए। वैसे भी बहुत गंदी हो गई थी, सही है वॉश हो जाएगी। अब भाई अपनी बाइक फुल्ली लोडेड हो चुकी है। तो गाइस बाइक अपनी वहाँ खड़ी हुई है, बिलिंग अपनी हो चुकी है, निकलते हैं भाई। कितने का बिल हो गया? 2268 का। तो अपनी जो टोटल बिलिंग आई है वो आई है भाई 1917 रुपए के, जो भी सर्विसिंग वगैरह हुई है वो, और 350 रुपए का अपना सर्विस चार्ज है। टोटल जो अपना बिल हुआ है वो हुआ 2268 रुपए का, जबकि भाई इंजन ऑयल में अपना घर से लेके आया था, इंजन ऑयल आया था अपना 1200 के आसपास का आया था। तो 1200 रुपए प्लस 2200 रुपए 3400 रुपए की इस बार भाई सर्विसिंग बैठी है। भाई शायद मेरे ग्लव्स रह गए कि मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, एक बारी बैग में चेक और कर लेता हूँ। नहीं भाई बैग में रखे हुए हैं। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये मिरर्स कैसे लग रहे हैं। भाई मेरे को तो काफी ज्यादा सही लगे, बस थोड़े से कॉस्टली लगे मुझे, बट भाई डोमिनार के जो मिरर्स हैं उससे तो काफी सही है। इसके जो मिरर्स डलते हैं ना भाई, वो डलते हैं भाई 3600 के। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, अनुज भाई और अपने वैनम भाई वहीं पे होंगे शायद भाई के पास, वो लोग भी अपनी डोमिनार में काम करा रहे होंगे। शिवम को अपना वाइजर लगवाना था, अनुज भाई को अपनी नंबर प्लेट और सैडल स्टे लगवाने थे, अभी मेरी थोड़े टाइम पहले बात हुई थी। अब वो लोग कह रहे थे कि हम लोग अभी थोड़ी देर निकलने वाले हैं, तो शायद अब निकल चुके होंगे और वहीं पे काम करा रहे होंगे, तो सीधा वहीं पे चलते हैं, देखते हैं काम हुआ या फिर नहीं हुआ। भाई अपना बाइक एकदम मक्खन चल रही है भाई, एयर फिल्टर की ना बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब थी। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम जब मैंने इसकी सर्विसिंग कराई थी अलीगढ़, को साफ करके लगा दिया है, वहाँ पे यार वो लोग नीचे ही नहीं जाने देते हैं, बोलते हैं नीचे आने की परमिशन नहीं है। तो मुझे तो भाई यही झोल लग रहा है कि उनने चेंज ही नहीं किया होगा, वरना भाई अभी बाइक 3500 किलोमीटर चली है और उसकी जो कंडीशन थी, आकाश भाई बोल रहे थे जिनने इस बाइक की सर्विस की थी कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि जन कब से नहीं बदला है। 3500 पे इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती है एयर फिल्टर की भाई, सच बता रहा हूँ मजा आ रहा है अब एकदम। भाई बाइक बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। ओहो यहाँ पे देखो डिवाइडर लगा दिया है भाई, उन लोगों ने बोला था कि यहाँ पे मिलेंगे लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। सो गाइस उन लोगों ने उससे बोला था कि यहाँ पे मिलेंगे लेकिन वो लोग आगे हैं, समीर भाई के पास काम करा रहे। तो गाइस अनुज भाई की बाइक में तो सैडल स्टे लग चुका है, अभी यहाँ पे चल रहा है बहन भाई की बाइक में काम, यहाँ पे लगना है वाइजर। उस बाइक में तो पहले से वाइजर लगा हुआ था, अपनी में भी लगा हुआ है, इसमें आप लग जाएगा साइकिल कहाँ से भाई शिवम कह रहा है कि ये लगेज करियर लगवा के साइकिल लग रही है। कोई बात नहीं लेकिन साइकिल से अच्छी नहीं लग रही है अभी। कोई बात नहीं मत लगने लेकिन साइकिल तो नहीं लग रही मेरी, बाइक तो लग रही है। नंबर प्लेट भी लग चुकी है, ये थोड़ी अलग स्टाइल में लगी है क्योंकि इनके पास नंबर प्लेट होल्डर नहीं था, तो ये ऐसे करके लगी है, जुगाड़े करवाई गई है एक्चुअली बाइक में, ये बात है क्योंकि ब्लैक और ब्लू बाइकों में जुगाड़ ही हो पाती हैं। और शीशे भी लग गए, शीशे ये अपने डोमिनार वाले लग गए जो अपने डोमिनार में पहले लगे हुए थे, इसमें भी जुगाड़ कराई गई है, पूरी बाइक में यार जुगाड़ ही जुगाड़ है। ये देखो ये ऐसी कुछ लुक आ रही है बाइक्स की, अब दोनों बिल्कुल आगे से भी सेम हो चुकी हैं। तो निखिल भाई भी आ चुके हैं भाई अपनी आर आर को लेके।
अनुज भाई गए हैं बस स्टैंड, उनका कुछ नंबर प्लेट का लफड़ा था, वो अपनी नंबर प्लेट फिक्स करा रहे हैं। अभी चलते हैं, एक राउंड मार के आते हैं नदरी तक, देखते हैं बाइक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कल से हम लोगों को निकलना भी है और भाई फ्यूल अप भी करा लेंगे। हाँ भाई, दो स्टिकर भी और लगाए आज मैंने, ये स्टे फास्ट का और एक आगे लगाया है भाई, ये देखो। और भाई निखिल भाई ने भी देखो स्टिकर लगाया हुआ है अपना, एक ये लगाया भाई, एक अंदर लगवाया है, दो पीछे लगाए हुए हैं, एक स्टे फास्ट और एक एक्सोर का। बाइक वही एकदम तो मस्त भाग रही है, अभी फिलहाल तो यार कोई दिक्कत लग नहीं रही है, अब आगे कोई दिक्कत आ जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल तो भाई एकदम स्मूथ सी चल रही है। सो गाइस, फ्यूल अप कराएंगे हम लोग लौट के, अभी मैं जा रहा हूँ जियो के स्टोर, वहाँ से लेनी है जियो की पोस्ट पेड सिम, क्योंकि वहाँ पे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो पोस्ट पेड वाली सिम में डेटा अनलिमिटेड मिल जाएगा और उसमें ना स्पीड भी अच्छी मिलती है। तो भाई सिम लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, सिम तो ले ली है, अभी चलते हैं रिलायंस फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर, क्योंकि पैकिंग वैकिंग भी करनी है, कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं। भाई फ्यूल आ चुका ऊपर तक और आया है 10.5 लीटर, मतलब 10.5 लीटर फ्यूल आया है और थोड़ा बहुत इसमें पहले का होगा। तो भाई टैंक हो चुका है फुल, बाइक की सर्विस भी डन, अब कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें डन है, तो अब सुबह भाई फ्यूल डलाने के लिए इधर नहीं आना पड़ेगा, हम लोग सीधा उधर ही निकल जाएंगे, टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बगैर आपसे मिलते हैं कल एक और नए फ्रेश ब्लॉग के साथ।